हाई गाइज, वी आर लीविंग टू जोधपुर फॉर साइट विजिट. हम लोग जोधपुर जा रही हूँ मैं साइट विजिट के लिए. मेरा जो कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे, बट मेन जो मेरा टर्न की प्रोजेक्ट है वो फिनिश करना है मुझे वहाँ पे बाय 15th ऑफ अक्टूबर. तो पूरी फिनिशिंग्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है, तो मैं कुछ दिन वहाँ पे स्पेंड करूँगी और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, आपको भी दिखाऊंगी. डिस्कस तो ऑब्वियसली चलो नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं क्या प्रोसेस कर रही हूँ, और थोड़ा और डिटेल में दिखा पाऊंगी बिकॉज मैं वहाँ पहुँच के वहाँ पे हर टाइम अवेलेबल रहूँगी और सारी चीज़ें वहाँ पे करती रहूँगी साथ साथ में, और हर मोमेंट पे मैं वहाँ वेट मतलब रुकी रहूँगी, हर मोमेंट पे मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगी, तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी. और आई ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें दिखा पाऊँ तो दिखाऊँ, बिकॉज़ वो साइट बहुत ही ज़्यादा लाइक वन ऑफ द साइट्स विच इज़ क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैंने पूरा काम उसमें खुद किया है. इवन द फर्नीचर, एक एक चीज़, हर एक चीज़ खुद सेलेक्ट किया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फर्स्ट टर्न की प्रोजेक्ट ऑफ माइन, तो दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. सो आई ट्राई टू शो एज मच एज आई कैन. इट्स 1:43 गाइज, एंड आई थिंक अब मुझे थोड़ा काम कर लेना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ आई एम स्पेंडिंग माई डे. थोड़ा काम कर रही हूँ. आई थॉट कि अभी काफ़ी टाइम है तो थोड़ा टाइम यूटिलाइज़ कर लिया जाए, बिकॉज नींद भी नहीं आ रही है और ट्रेन भी खाली है, तो मैं किससे बात करूँगी. कोई बात करने के लिए भी नहीं है, नो एंटरटेनमेंट सोर्स. और अभी ट्रेन कहीं पे रुक भी गई है, हॉल्ट ले लिया है ट्रेन ने, तो लेट्स यूटिलाइज़ द टाइम. अभी काफ़ी टाइम लगेगा, अराउंड 5:00 आई विल रीच जोधपुर. तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके इंटीरियर पे मैं वर्क कर रही हूँ, उसके कॉन्सेप्ट पे मैं वर्क कर रही हूँ. सो दिस इज़ हाउ आई एम यूटिलाइजिंग द टाइम. ऑल्सो आई एम प्लानिंग वन मोर यूट्यूब वीडियो, सो यू विल गाइस सी इट सून. काफ़ी यूजफुल आएगी वो वीडियो, आपको मज़ा आएगा देखने में. इट इज़ वेरी 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 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है उस वीडियो में. बहुत मज़ा आएगा आपको, आई एम श्योर, एंड वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. This is all the scrap. Working on the mandir. Best चीज़ मेरे designs को जिस तरीके से ये लोग लगा के use करते हैं, best. This is me. बुक शेल्फ, स्टडी एरिया. इट इज़ लाइक फॉर वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन. अगर आप सोच रहे होंगे कि वर्क फ्रॉम होम नहीं है अभी, तो एक्चुअली ऐसा है कि मेरे क्लाइंट US रहते हैं, और वो जब वहाँ से इंडिया आते हैं तो उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है. ये सोफ़ा वाला लिविंग एरिया का सेटअप है, जो बनेगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी, अभी इसमें फोमिंग वगैरह बाकी है. Have a look at this huge bathroom and walk-in wardrobe. कैमरा से उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस, बट दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग विद दिस काइंड ऑफ लाइटिंग. इट इज़ लुकिंग अमेजिंग. ब्यूटिफुल प्लांटर्स, इनके लिए प्लांट्स भी मैं लाऊंगी, लगवाऊंगी खुद ही, मज़ा आने वाला है. बेस्ट झूला. दिस प्लेस हैज़ अ डिफरेंट वाइब, मतलब यहाँ इतनी बड़ी बालकनी में आके मज़ा ही आ जाता है. बहुत बड़ी बालकनी है, दिस इज़ वेरी ह्यूज. अंदर वो लोग हाइड्रोलिक पंप सेट कर रहे हैं ताकि बेड हाइड्रोलिक हो जाए और आसानी से लिफ्ट हो जाए,
और ये बेड थोड़ा, ये रूम थोड़ा रेट्रो स्टाइल का है, तो इस वजह से इसका बेड भी थोड़ा डिफरेंट है, मॉडर्न नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर क्विक साइट अपडेट। मैंने आपको क्विकली साइट अपडेट दे दिया। मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ, मैंने फेस वॉश नहीं किया, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पिया है, अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ। मैंने आप लोगों को साइट अपडेट दिया। कारपेंटर्स, किसी को भी, किसी भी लेबर को नहीं पता था मैं आने वाली हूँ, तो ये एक सरप्राइज़ था उन लोगों के लिए। मैंने जाके देखा वो लोग क्या काम कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को भी थोड़ा दिखाया कि वो लोग क्या कर रहे थे। सब लोग बहुत ही शिद्दत के साथ काम को कंप्लीट करने में और बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, हाथ मुँह धोऊँगी और उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ, या तो मैं रात को आपको साइट अपडेट दूँगी, अदरवाइज़ मैं कल से आपको कुछ कुछ डिटेल्स बताती जाया करूँगी चीज़ों के बारे में जो छोटी छोटी बन रही होंगी। जैसे हमारे यहाँ फोमिंग और फैब्रिक स्टार्ट होगा, लाइक वुडवर्क का सबको पता है कि कैसे होता है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज सबको होती है, बट फोम फैब्रिक कैसे लगता है वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बाय बाय।